गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं रेमेडीज़ की, कुछ कॉमन कुछ अनकॉमन रूब्रिक्स और शेड्स के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक ब्रेड एंड बटर रेमेडी की, जिसे आप क्लिनिक में अगर पहचान लो तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेशेंट को बीमारी क्या है। ये रेमेडी यानी जेल्सीमियम उस बीमारी को यूं निकाल देगी। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जेल्सीमियम हर होम्योपैथ की ब्रेड एंड बटर रेमेडी है, चाहे वो कोई भी स्कूल फॉलो करता हो, चाहे फीवर के केसेस हो, चाहे वीकनेस और डलनेस के केसेस हो, चाहे तो पैरालिसिस के केसेस हो, जेल्सीमियम लेफ्ट एंड राइट यूज़ की जाती है। और हम सब ने फर्स्ट ईयर से देखा है, सुना है, पढ़ा है कि जेल्सीमियम एग्जामिनेशन फंक, एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी, स्टेज फ्राइट की रेमेडी है। जेल्सीमियम में एक रूब्रिक है, एंटीसिपेशन एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट फ्राइट सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स इन। इस रूब्रिक में स्टेज फ्राइट जो है वो पब्लिक स्पीकर्स और सिंगर्स में है, मतलब ऐसे लोग जो प्रोफेशनल है, जिनको ये काम करने की आदत है, कोई नया नहीं है जो पहली बार एग्जाम फेस कर रहा है या पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज वो शेयर कर रहा है, नॉट द फर्स्ट टाइम। वो काम ये लोग लगातार करते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों स्टेज फ्राइट होना चाहिए? ऐसा उनके साथ क्या होता है जिसकी वजह से ये मंझे हुए प्रोफेशनल्स ये भी एंटीसिपेटरी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं? जेल्सीमियम में ऐसे बहुत रूब्रिक है जो जेल्सीमियम की एबिलिटी दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं कि वो सब एक्चुअली कर चुका है, उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ से अब वो डर रहा है, जो भी वो पहले कर चुका है लेकिन अब वही करने से वो डर रहा है। ऐसे बहुत से रूब्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, डिल्यूजन बॉडी पार्ट एनलार्ज, मतलब वो बड़ा है, उसकी सोच बड़ी है, उसकी हियरिंग अच्छी है, उसका दिमाग चलता है, वो खुद बहुत बड़ा बन चुका है, बड़ा आदमी है, बड़ा प्रोफेशनल है। डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स लार्जर आर, डिल्यूजन डबल ही इज, दो दो लोगों का काम वो एक साथ कर सकता है, दो लोगों के बराबर है, उतना उसका दिमाग चलता है, उतनी उसकी एबिलिटी है, उतना उसका फिजिक है। डिल्यूजन एनलार्ज्ड ही इज, वो बड़ा बन चुका है। डिल्यूजन हेड एनलार्ज, उसका दिमाग बहुत बढ़िया है, बड़ा है, दिमाग बहुत चलता है। इंडस्ट्रियस मेनिया वर्क फॉर मेंटल एट नाइट, बहुत काम करता है दिन रात। इन सब रूब्रिक्स का मीनिंग यह है कि उसमें एबिलिटी है और उसने ये सब काम किया है। बट ये सारे रूब्रिक्स, अगर इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क मेंटल एट नाइट की बात छोड़े, तो ये सारे रूब्रिक्स उसके डिल्यूजन है। तो अगर ये सारे डिल्यूजन है तो उसने एक्चुअली ये सब किया कैसे है? वो पब्लिक स्पीकर सिंगर बना कैसे? उसका रीज़न है, अगर आप जेल्सीमियम में मदर के रूब्रिक अगर सर्च करें
तो आपको बहुत सारे रूब्रिक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अटैच वेरी मदर टू, उसके बाद कैरी डिजायर टू बी कंफर्टेबल एंड चेयरफुल इन मदर्स लैप, माँ की गोद में चेयरफुली एंड कंफर्टेबली वो कैरी होना चाहता है। चेयरफुलनेस इन मदर्स लैप, क्लिंगिंग टेक हैंड और पार्ट ऑफ मदर विल अलवेज, फियर फॉलिंग ऑफ चिल्ड्रन इन, होल्ड ऑन टू मदर और नर्स। तो ये सारे रूब्रिक्स मतलब क्या, अपनी मदर से इसको बहुत अटैचमेंट है, बहुत जुड़ाव है। माँ की गोद में होता है तो बहुत चेयरफुल होता है, उसे लगता है माँ की गोद में ही रहूँ, कंफर्टेबल रहूँ, चेयरफुल रहूँ और माँ मुझे कैरी करती रहे, मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाती रहे। उसे डर लगता है माँ का हाथ छूटने से, कहीं माँ का हाथ या साथ छूट ना जाए, अगर ऐसा हुआ तो वो गिर जाएगा, ऐसा उसको डर लगता है। माँ मतलब क्या, माँ मतलब जिसने इसे बनाया है, लिटरली भी बनाया है और सिंबॉलिकली भी इसको जिसने बड़ा किया है, बनाया है, पहले अपनी कोख में रखा और बाद में इसका भरण पोषण किया, इसे बड़ा किया, यहाँ पहुँचाया जहाँ उसे लगता है कि वो बड़ा है, उसने कुछ किया है, अचीव किया है, उसमें एबिलिटी है, ऐसा उसे लगता है तो माँ की वजह से। माँ या नर्स कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, नर्स हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, इसका मैनेजर, अकाउंटेंट या क्लर्क भी हो सकता है, जो सब कर लेता है, संभाल लेता है। जैसे जो बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, जो इनका पब्लिक रिलेशन हो, इनका स्पॉन्सरशिप्स हो, इनका फंड मैनेजमेंट हो, इनका इमेज कीपअप हो, सब कुछ वो कर लेते हैं, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें बस परफॉर्म करना होता है जो इनको आता है, बाकी चीज़ों का इन्हें पता भी नहीं होता और नॉलेज भी नहीं होता, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द पीपल। तो प्रॉब्लम कब होता है, जेल्समियम में एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन लिफ्टेड फ्रॉम क्रेडल बेड व्हेन, एंग्जाइटी चिल्ड्रन इन लिफ्टेड फ्रॉम क्रेडल बेड व्हेन। क्रेडल मीन्स पालना या झूला, जिसमें अभी तक ये आराम से रहा, खुश था क्योंकि इसके सारे काम बन रहे थे, माँ इसको कैरी कर रही थी, झूला रही थी और ये बड़ा हो रहा था। चिल्ड्रन मतलब वो जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी ज़रूरतें वो खुद पूरी नहीं कर सकते, जो दूसरों पे या माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट रूब्रिक में भी जेल्सिमियम है, जो इवन खुद खाना भी नहीं खा सकते, या तो माँ का दूध पीते हैं या माँ उनको कुछ पेस्ट या सूप बना के देती है, वो ये खाते हैं क्योंकि इनके पास दांत भी नहीं है। अभी दांत मतलब एबिलिटी, एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू समथिंग, जैसा हमने बाइटिंग में देखा था, एबिलिटी टू बाइट, टू ब्रेक डाउन थिंग्स, टू डाइजेस्ट देम। खाना पचाने के लिए हमें पहले उन्हें उसे दांतों से मसलना पड़ता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। एबिलिटी टू डाइजेस्ट आइडियाज और टू एक्सेप्ट और टू मेक थिंग्स वर्क।
चीज़ें करने के लिए टू मेक थिंग्स वर्क आइडियाज़ को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। ऐसे इस बच्चे को क्रेडल या बेड से उठा लिया जाता है। मतलब क्या, अब जो भी करना है तू कर, खुद से चल, खुद से खा, अब तू बड़ा हो गया है ना, तो सब खुद से कर। या फिर माँ अगर चली गई, माँ नहीं रही, माँ की डेथ अगर हो गई, यानी जो भी इसे कैरी कर रहा था, जो भी इसका माँ बना हुआ था, झूला रहा था इसको, वो अब नहीं रहा। इसके लिए रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। तो जो भी इसका सब कुछ कर रहा था, चाहे वो माँ हो या ना हो या कोई और हो, वो उसका लव्ड वंस बन जाता है, और उसके जाने से, उसकी डेथ से इसका सारा पिक्चर बदल जाता है। अब चाहे जितना मजा हुआ खिलाड़ी हो, जलसी मैम के मन में डर बैठ जाता है। डर क्या बैठ जाता है कि मेरा पब्लिक स्पीकिंग, मेरा सिंगिंग, मेरा बैटिंग छोड़ के मुझे और कुछ आता तो नहीं है, और जो मुझे आता नहीं है वो मैं करूँगा कैसे। इसके लिए रूब्रिक है एंटीसिपेशन ऑर्डियल ऑफ एनी अनयूजुअल। एंटीसिपेशन ऑर्डियल ऑफ एनी अनयूजुअल मतलब जो चीज़ इसने कभी किया ही नहीं है, जिसके साथ इसका एक्सचेंज ही नहीं हुआ है, वो चीज़ वो करेगा कैसे, इस चीज़ का उसको एंटिसिपेशन होने लगता है। क्योंकि सब कुछ तो उसके लिए हो रहा था, अपने आप माँ कर रही थी, बट करने की कोशिश तो करता है टिल लास्ट मोमेंट, एन मौके तक वो कोशिश करता रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी आन पड़ती है ना, अचानक माँ चली गई, लेकिन खाना तो खाना है, सारे काम तो करने हैं, तो कोशिश करता है, क्योंकि इमरजेंसी आ गई है, रात गहरी है, मुसीबत बड़ी है। इसके लिए रूब्रिक है इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क मेंटल वर्क नाइट 1 AM। लेकिन होता क्या है कि ये सोचता तो है करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि जो एबिलिटीज इसके पास नहीं है, या जो एबिलिटीज उसको लगता था कि उसके पास है, वो तो सारे डिल्यूजन निकले, एक्चुअली में वो नहीं कर पाता, उसके लिए सब कुछ कर दिया जाता था। इसके लिए रूब्रिक है इरेक्शंस वांटिंग इम्पोटेंसी। मतलब क्या, इरेक्शंस वांटिंग है, इरेक्शन नहीं हो रहा, अपने आप को चाहे 130 मार का समझ ले, अगर इरेक्शन ही नहीं होगा तो कंसेप्शन नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो डिलीवर क्या करेगा। इसलिए डिलीवरी के नाम से ही जेलसीमियम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसके लिए रूब्रिक है, बहुत सारे रूब्रिक्स है डिलीवरी के, जेलसीमियम में बहुत सारे रूब्रिक्स है, उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। फियर डिलीवरी पार्चुरेशन फॉर, जब भी डिलीवरी का टाइम आता है तो डिलीवरी के बारे में सोच के ही इसको डर लगता है। फियर डिलीवरी पार्चुरेशन फॉर अप्रोचिंग, उसको पता है कि ये टाइम आने वाला है जब मुझे खुद से डिलीवर करना पड़ेगा, और ऐसे टाइम से, ऐसी सिचुएशन से जेलसीमियम को बहुत डर लगता है। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ डिलीवरी पार्चुरेशन ड्यूरिंग, उसको लगता है कि जब डिलीवरी का टाइम आएगा, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का टाइम आएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, जैसे ही डिलीवरी का टाइम आया सब खत्म हो गया समझो। प्रेजेंटिमेंट मतलब आगे जो होने वाला है वो भी इसको समझ जाता है, तो कोशिश करता है
कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली वो कोशिश करता है कि कैसे तो भी डिलीवरी को रोकू, पोस्टपोन करूँ या कैंसिल कर दूँ। इसके लिए रूब्रिक है, ये रूब्रिक आपको फीमेल सेक्शन में मिलेंगे कंप्लीट डायनेमिक्स के। लेबर, डिलीवरी, पार्चुरेशन कंप्लेंट्स, चाइल्ड सीम्स टू असेंड विथ एवरी पेन। फिर से एक बार बताता हूँ, लेबर, डिलीवरी, पार्चुरेशन कंप्लेंट्स, चाइल्ड सीम्स टू असेंड विथ एवरी पेन। मतलब क्या, नॉर्मली हर लेबर पेन के साथ बच्चा नीचे पुश होता है, वजाइनल ओपनिंग के डायरेक्शन में वो पुश होता है, लेकिन जेलसीमियम में उल्टा होता है, हर क्रैम के बाद बच्चा ऊपर पुश होता है, ऊपर असेंड होता है। यह लेबर पेन या क्रैम्स आना ही बंद हो जाता है। इसके लिए रूब्रिक है, लेबर, डिलीवरी, पार्चुरेशन कंप्लेंट्स, सीजिंग कंप्लीटली। लेबर पेन आना ही बंद हो जाता है जिससे बच्चा नीचे पुश हो सके, क्योंकि सबकॉन्शियसली बच्चा पुश करना ही नहीं चाहता, डिलीवरी करना ही नहीं चाहता। लेबर, डिलीवरी, पार्चुरेशन कंप्लेंट्स, एक्सपल्शन एब्सेंट, एक्सपल्शन ही नहीं होता। इतना वो ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रोक के रखने की कोशिश करता है कि डिलीवरी ना हो। इसके लिए एक और रूब्रिक है, दो रूब्रिक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑस यूटेरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन ऑस ड्यूरिंग डिलीवरी और पार्चुरेशन। और एक रूब्रिक है, रिजिडिटी ड्यूरिंग डिलीवरी ऑस यूटेरी, मतलब यूटेराइन ऑस का रिजिडिटी ड्यूरिंग डिलीवरी। ऑस इतना रिजिड हो जाता है कि बच्चा पास होने के लिए वो ओपन ही नहीं होता, लेकिन इतना कंट्रोल क्यों करना है, इतना क्यों इसको डर है डिलीवरी का? इसका रीजन है क्योंकि इतना सक्सेसफुल होने के बाद वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि वो एक्चुअली कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, अपनी माँ के बिना वो कुछ नहीं है, अपने सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं है। वो ये नहीं दिखाना चाहता कि उसके पास चने तो है लेकिन दांत ही नहीं है चने खाने के लिए, चने चबाने के लिए, तो वो एबिलिटी ही नहीं है, ये चीज़ लोगों को दिखे ये वो नहीं चाहता। इसके लिए रूब्रिक है, फियर, डिस्कवर्ड ऑफ बीइंग, डिस्कवर नहीं होना, ये जो उसका असलियत है उससे वो पर्दा नहीं हटने देना चाहता, वो नहीं चाहता कि ये उसका शेड डिस्कवर हो, उसकी असलियत सामने आए, इसलिए वो डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाता। डेंटिस्ट मतलब ऐसा कोई जो इसको जज कर सकता है, पहचान सकता है, ऐसा कोई जो जिसे जो इसे देखते ही पता चल जाए कि जेलसीमियम डिलीवर नहीं करने वाला, कर नहीं सकता, अपने दम पर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास दांत नहीं है, यानी एबिलिटी नहीं है वो करने की, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। इसके लिए रूब्रिक है, एंटिसिपेशन, डेंटिस्ट, फिजिशियन, फॉर्म। और ऐसे लोगों से मिलना या उनका सामना करना जेलसीमियम के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। इसके लिए रूब्रिक है, फियर ऑर्डियल्स ऑफ, अग्नि परीक्षा का उसको डर होता है, सत्व परीक्षा का उसको डर होता है। दोस्तों, जेलसीमियम में एक और रूब्रिक है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न्ड अवे। ये जेलसीमियम का बहुत जाना माना रूब्रिक है जिसकी वजह से जेलसीमियम मैक्सिमम टाइम पकड़ में आ जाता है।
आपने अभी तक जो जलसीमियम देखा है या आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ट्रीट किया होगा जलसीमियम के साथ, उसपे से इस रूब्रिक का मतलब कन्फ्यूजन ऑफ माइंड मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल व्हेन अटेंशन इज टर्न्ड अवे, इस रूब्रिक के कितने और क्या मीनिंग निकल सकते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जलसीमियम का जो लास्ट या अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये रूब्रिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को जिनकी वजह से एक्चुअली मैंने ये चैनल शुरू किया है एंड आई एम हैप्पी दैट आई लिसन टुडे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अनीस, डॉक्टर अयमन, डॉक्टर सीरत को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को, आपके लाइक्स और स्पेशली आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो सजेशंस होते हैं वो बहुत एनर्जाइजिंग होते हैं, एनकरेजिंग होते हैं। प्लीज़ कीप कमेंटिंग, प्लीज़ कीप डिस्कसिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे जलसीमियम के साथ। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।